दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई रिफ्रेशिंग वीडियो के अंदर। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रूप की तरफ से आने वाले फिट बड्स की। काफी लोगों की डिमांड रहती है कि 1000 रुपए से नीचे कोई TWS बताइए, तो ये जो TWS है वो 1000 रुपए से नीचे है। इसकी जो कीमत है लगभग 699 रुपये, और मैं आपको बताऊंगा कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी वगैरह वो कैसी आपको देखने को मिल जाएगी। जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि हमें जो ट्रूप के ये TWS है वो कैसे देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इसका यूज़र मैनुअल। इसके अंदर आपको एक यूज़र मैनुअल मिलेगा, वारंटी कार्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ यहाँ पर माइक्रो यूएसबी वाली एक चार्जिंग केबल छोटी सी देखने को मिलती है, और एवरेज क्वालिटी में कहूँगा यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। इसके साथ यहाँ पर बॉक्स के अंदर आपको TWS प्लस में उसका जो केस है वो देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये हैं आपके TWS और इसका जो केस है। अब इसकी बात करते हैं जल्दी से। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की और बिल्ड की। तो यहाँ पर अगर आप बॉक्स की डिज़ाइन देखोगे तो मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रही है जिस प्राइस पॉइंट में आते हैं। और वहीं अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो प्लास्टिक का बना हुआ है और चीप प्लास्टिक का बना हुआ है। नो डाउटली इस बजट रेंज के अंदर आपको कोई हाई फाई क्वालिटी की जो प्लास्टिक है वो नहीं मिलेगी, या फिर कुछ और मटेरियल नहीं मिलेगा। जिस रेंज के अंदर आते हैं आपको इतना ही एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करूँ TWS की, तो यहाँ पर जो डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी हाफ इन ईयर है, यानी कि आधे आपके कानों के अंदर और आधे बाहर रहेंगे। तो यहाँ पर जो बिल्ड मटेरियल है वो है प्लास्टिक, पूरा ही प्लास्टिक का यूज़ है। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिज़ाइन की, तो यहाँ पर मेरे जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो इतने अच्छे नहीं लग रहे, काफ़ी बड़े लग रहे हैं ये देखने में, और थोड़ा सा अजीब लगेगा जब आप इन्हें पहनोगे। थोड़ा सा छोटा होता अगर ये पहनने में थोड़ा सा अच्छा लगता, मतलब थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं काफ़ी बड़ी सी लग रही है। लेकिन हम बात करते हैं आगे इनके कि कैसे आपको देखने को मिलेंगे। बॉक्स की बात करूँ ओवरव्यू की, तो यहाँ पर सामने की तरफ आपको ब्रांडिंग मिलती है, और यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जहाँ से ये ऑन ऑफ होती है इसकी चार्जिंग। यहाँ पर आपको चार्जिंग के लिए इंडिकेशन मिलती है कि कितनी आपकी जो बैटरी है उतनी परसेंटेज दिखाएगा कुछ। इसके पीछे यहाँ पर आपको चार्जिंग स्लॉट मिलता है माइक्रो यूएसबी वाला, और ये ओपन होता है ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आपके जो TWS है वो रख जाते हैं। लेफ्ट और राइट की जो ब्रांडिंग है वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलती है ऊपर की तरफ। बात करते हैं ईयरबड्स की, तो यहाँ पर आपको प्लास्टिक मटेरियल के साथ ऊपर की तरफ टच कंट्रोल नहीं मिलता, और यहाँ पर आपको बटन्स का जो ऑप्शन है वो मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आपको छोटी छोटी एक लाइट दी गई है जो रेड और ब्लू कलर के अंदर ब्लिंक करती है। नीचे की तरफ आपको चार्जिंग के जो पिन्स हैं वो आपको केस के अंदर प्रोवाइड हैं, तो वो आपको इसके अंदर इंसर्ट होती हुई नज़र आती हैं जब आप इसके अंदर डाल देते हो केस के अंदर। अब मैं बात करना चाहूँगा कि इन ईयरबड्स की कि आपके कानों के अंदर मतलब कैसे आते हैं। राइट और लेफ्ट की ब्रांडिंग जरूर है, यहाँ पर आप समझ सकते हो कि कौन सा ईयरबड आपको कौन से कान में लगाना है। तो यहाँ पर मैंने इनको लगा लिया। ओके, फिटिंग तो इनकी मुझे ठीक लग रही है और कोई पेन नहीं लग रहा, लेकिन इनका जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा है और हल्के से ढीले ज़रूर लग रहे हैं। बहुत टाइट लगाने के बाद भी हल्के से ढीले लग रहे हैं, साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगा मुझे। बाकी आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये कान में फिट आते हैं यहाँ पर। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसके कुछ फीचर्स की, इन दोनों ही चीज़ों की, यानी कि बॉक्स की और ईयरबड्स की, तो जल्दी से बात करते हैं। ब्लूटूथ 5.0 को सपोर्ट करते हैं ये वाले जो TWS हैं। यहाँ पर इनकी जो बैटरी है वो लगभग 40 mAh की है एक ईयरबड की, जो लगभग 3 घंटे का आउटपुट आपको निकाल के देता है। जबकि अगर बात करूँ केस की, तो यहाँ पर 500 mAh की जो बैटरी साइज़ है वो इसके साथ आता है, तो ये आपको लगभग 20 घंटे का आउटपुट देता है केस के साथ, दोनों ही चीज़ों की अगर मैं मिक्स की बात करूँ। इसके बाद अगर बात करूँ चार्जिंग टाइम की, लगभग 90 मिनट लगते हैं, या फिर मैं कहूँगा 1.5 से 2 घंटे लगेंगे लगभग इसको फुल चार्ज होने में जब आप चार्जिंग करोगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको IPX5 की रेटिंग मिलती है, तो आपको थोड़ा बहुत जो पानी है उससे भी कोई डरने वाली बात नहीं है यहाँ पर। बाकी लाइट वेट काफ़ी है, और जो प्लास्टिक है यूज़ है लगभग 45 ग्राम के लगभग आपको इसका जो वेट है वो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ था, बाकी अब हम बात करते हैं इसकी माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में, और फिर मैं बताता हूँ आपको जो इसके ऑडियो है वो आपको कैसा सुनने को मिलेगा। जल्दी से बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं इन फिट बड्स की माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो माइक्रोफोन है इनके कैसे आउटपुट निकाल के देते हैं, तो यहाँ पर अभी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो ये सुन रहे हो इस माइक्रोफोन की। इसके बाद अब जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन पा रहे होंगे ये सुन पा रहे हो इन फिट बड्स की, तो यहाँ पर आपको अंदाजा लग जाएगा इनकी जो ऑडियो क्वालिटी है या फिर माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो दूसरे इंसान से कैसी आपको सुनने को मिलेगी।
तो दोस्तों आपने सुनी इसकी जो माइक्रोफोन की आउटपुट थी वो कैसी आपको देखने को मिलती है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसी मिलती है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो प्राइस है वो है सिर्फ 699। तो यहाँ पर जो आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए किसी TWS से, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपको TWS मिल रहे हैं इस डिज़ाइन और इस बॉक्स के साथ। तो यहाँ पर आप कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए मैं कहूँगा काफ़ी ठीक है, लेकिन आप चाहते हो कि म्यूज़िक भी इसे सुनना चाहो तो मैं कहूँगा कि म्यूज़िक के लिए रहने देना, इसे म्यूज़िक के लायक नहीं है। एवरेज क्वालिटी की जो ऑडियो क्वालिटी है वो इसके अंदर आती है। यहाँ पर कोई भी मतलब आपको पता नहीं लगा कि बेस कहाँ आ रही है, ट्रेबल कहाँ आ रही है और वोकल्स कहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा मिक्स एंड मैच सुनाई देता है। इतना अच्छा ऑडियो नहीं लगा, एक एवरेज क्वालिटी जो ऑडियो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली। कॉल वगैरह के लिए आप ले सकते हो, पबजी वगैरह के लिए देख रहे हो तो नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत यूज़ मिल सकता है, लेकिन इतना प्रो लेवल का कुछ भी नहीं है या फिर एवरेज लेवल का भी मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आपको जो आउटपुट है वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 699 के अंदर अगर आपको TWS चाहिए तो वो आपको मिल सकते हैं, और आपको मन है कि 1000 रुपये से नीचे लेना चाहते हो वो भी बॉक्स के साथ तो ये आप ले सकते हो। म्यूजिक की एक्सपेक्टेशन मत करना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक थी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।